चरखे की चाहत में आनंदपुरा गांव के युवक जेठालाल भाई की राष्ट्रभक्ति से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 84 साल पहले 1 दिसंबर 1933 को आनंदपुरा आए थे। बापू ने आनंदपुरा गांव में रात्रि विश्राम कर यहां 15 घंटे बिताए थे। बापू की यात्रा के बाद से रहली ग्राम आनंदपुरा की पहचान गांधी ग्राम के रूप में हुई। 200 घरों के छोटे से ग्राम आनंदपुरा में अंग्रेजी शासनकाल में जेठालाल भाई नामक युवक द्वारा खादी आश्रम का संचालन कर गांव के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ स्वदेशी वस्त्रों एवं स्वदेशी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। जेठालाल पत्र व्यवहार के माध्यम से गांधी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। आनंदपुरा जेठालाल का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। हालांकि आज जेठालाल के परिजन आनंदपुरा में निवास नहीं करते। आजादी के बाद पूरा परिवार नागपुर चला गया था। खादी आश्रम के अवशेष भी नहीं बचे। सन 1933 में गांधी जी आनंदपुरा आए थे, चबूतरा पर रुके। यहाँ पर वहां से एक बेलदार ठाकुर के घर आए, वहां पर हमने भाजी रोटी खाना खाया। फिर हमारे पिताजी तेल पेरते थे, सो उनने देखा कि ये क्या है, कोलू है। हाँ। बताया कि हम मजदूरी करते हैं और इतनी से प्रतिपाल करते हैं। सो उनने बोला कि आप चरखा चलाओ, सूती कपड़ा बनाओ। सो उनने उनका चरखा चलाया, कपड़ा सी के बनाना, और पुराने माने पद्धति से अब भी चरखा हम आए थे, 2-3 तो रखे। 1 दिसंबर 1933 को बापू दोपहर 3:30 बजे आनंदपुरा गांव पहुंचे थे। देवरी से आनंदपुरा आते समय बापू के पूरे रास्ते में स्वागत किया गया। गांव में पहुंचकर सबसे पहले बापू जेठालाल से मिले एवं खादी आश्रम का निरीक्षण किया। खादी आश्रम से बापू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आनंदपुरा गांव के बारे में संपादकीय भी लिखी। गांव के मत बने चबूतरे से सभा को संबोधित कर छुआछूत मिटाने की अपील की एवं चरखे के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि चरखा देश के करोड़ों भाइयों का घी, दूध और रोटी है। सायंकालीन प्रार्थना सभा के बाद बापू ने झोपड़ियों में जाकर लोगों के हाल चाल जाने। मैं देवरी आई थी, देवरी से थी आई थी, क्या क्या आनंदपुर जाना होते खादी खोलने हमें। अच्छा अच्छा, कैसे क्या पास है आनंदपुर, क्या है बिना के ना है। उन्होंने रात इतनी आ गई थी, उनके घर रहते होते रहे। फिर से खादी बनवाई उनने, खादी में कपड़ा सोए बना सो उनने, 15 रुपये आए थे। सत्कार करे मेहमानों ने, उन्होंने खादी खुली, कपड़ा बनेगा, सब करम भाई थे, हम खूब खबर थे। रात्रि विश्राम के बाद बापू दूसरे दिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के बाद 6:30 बजे आनंदपुरा गांव से दमो को रवाना हो गए। यात्रा में उनके साथ स्वर्गीय राजेंद्र सिंह एवं स्वर्गीय पंडित रवि शंकर शुक्ल साथ थे। सागर एक्सप्रेस के लिए रहली से प्रवीण सोनी की रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।